मैं एक ऐसे शायर को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूं जो अपने अशार से सोते हुओं को जगाने का रोल अदा करता है और रोते हुए को हंसाने का हुनर जानता है। शाहजहांपुर से तशरीफ फरमा मेहमान शायर मसरूर शाहजहांपुरी को आवाज़ देता हूं कि वो आएँ और मुख्तसर सही चंद अशार हमारे सामने पेश करें। जनाब मोहतरम मसरूर जहां। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात देख रहे होंगे कि शायरों के दायरे में मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुशीर अंसारी साहब जिसके मुशीर हो जाएं वो दायरे से बाहर आकर भी शायरी कर सकता है। एक सुखनवर भी हूं और एक पुलिस अफसर भी, एक सुखनवर भी हूं और एक पुलिस अफसर भी। आज 40 ही कतार पढ़ूंगा भाई। एक सुखनवर भी हूं और एक पुलिस अफसर भी, आज 40 ही कतार पढ़ूंगा भाई। और शेर सुनकर जो मेरे दाद ना देगा कोई, उससे थाने में मुलाकात करूंगा भाई। भाई दाद तो देना चाहिए। मैं तो देख रहा था कि बड़े बड़े सिंगर आए, आपने दाद नहीं दी, दाद ज़रूर दीजिए। और एक बात जो मैंने महसूस की यहाँ पर कि उर्दू की बात नहीं हुई, उर्दू के मतवाले लफ्ज़ तो बार बार आया, दो कतार समाप्त कीजिए कि उर्दू का मामला ज़रा संगीन है, ख़ास तौर से मेरे लिए। कि ना उर्दू आ सकी मुझको ना अब तक फारसी आई, ना उर्दू आ सकी मुझको ना अब तक फारसी आई। न जाने इम्तिहान कितने दिए पर बेनतीजा हूं, मगर जब मुफ्त की पीकर गजल कह दूं तो लगता है मैं रिश्ते में चचा गालिब का थोड़ा सा भतीजा हूं। ना उर्दू आ सकी मुझको ना अब तक फारसी आई, न जाने इम्तिहान कितने दिए पर बेनतीजा हूँ, मगर जब मुफ्त की पीकर गजल कह दूँ तो लगता है मैं रिश्ते में चचा गालिब का थोड़ा सा भतीजा हूँ। और वैसे समझकर शेर मेरे दाद देने की ज़रूरत क्या, समझकर शेर मेरे दाद देने की ज़रूरत क्या, समझ में हर किसी के कब मेरे शाहकार आते हैं। और अकेले आप ही का दर्द सर हरगिज नहीं भाई, समझ में खुद कहाँ मुझको मेरे अशार आते हैं। समझकर शेर मेरे दाद देने की ज़रूरत क्या, समझ में हर किसी के कब मेरे शाहकार आते हैं। और अकेले आप ही का दर्द सर हरगिज नहीं भाई, समझ में खुद कहाँ मुझको मेरे अशार आते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त वाकई कम है, दो चार शेर और गज़ल के। शायर हर चीज़ को महसूस करता है, वो कोई सीमेंट की बोरी नहीं कि उस पर महंगाई का असर ना हो। तो देखिए, मैं अरहर की दाल और प्याज की बात नहीं करूँगा, एक जनरल बात है कि जनाब चूने के दाम 5 से आगे निकल गए, चूने के दाम 5 से आगे निकल गए, ये सुन के हम दुकान से आगे निकल गए। चूने के दाम 5 से आगे निकल गए, ये सुन के हम दुकान से आगे निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और जोशे जुनू में बारहा ऐसा हुआ कि हम, जोशे जुनू में बारहा ऐसा हुआ कि हम महबूब के मकान से आगे निकल गए। जोशे जुनू में बारहा ऐसा हुआ कि हम महबूब के मकान से आगे निकल गए। और फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद, फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद कटपीस होके थान से आगे निकल गए। फैशन परस्त माँ को जो देखा तो वो भी खुद कटपीस होके थान से आगे निकल गए। और वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, खतरे के हर निशान से आगे निकल गए। वो मुख्तसर लिबास में निकले जो घर से कल, खतरे के हर निशान से आगे निकल गए। और पहले उन्होंने दी मुझे इंग्लिश में झिड़कियां,
پہلے انہوں نے دی مجھے انگلش میں جھڑکیاں پھر مادری زبان سے آگے نکل گئے پہلے انہوں نے دی مجھے انگلش میں جھڑکیاں پھر مادری زبان میں آگے نکل گئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آخری شعر سماعت فرمائیے کہ جنتا تو آج بھی ہے وہیں پر جہاں تھی کل جنتا تو آج بھی ہے وہیں پر جہاں تھی کل لیڈر سبھی پلان سے آگے نکل گئے جنتا تو آج بھی ہے وہیں پر جہاں تھی کل لیڈر سبھی پلان سے آگے نکل گئے بس میں سمجھتا ہوں کافی ہوتا ہے سر سے بہت بہت شکریہ یہ جاتی ہے تو میں رجسٹر نکالوں پھر اب مت کچھ کہیے ہے کھانا بھی ہے پھر کیا بات ہے کہ آپ دیکھیے لوگ محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں میں نے ایک شیڈ دیا ہے ہو سکتا ہے آپ کا بھی کام بن جائے سماعت فرمائیے کہ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر اردو ادب میں آپ اور ان کس کے لیے آتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر ان سے مل کر دور سب دل کا دلدر ہو گیا آپ کے ابا ہمیں لگتے ہیں ایک پہنچے فقیر ان سے مل کر دور سب دل کا دلدر ہو گیا اور ان کی باڈی لینگویج پر صرف ڈالی تھی نظر چھٹ گئیں تاریکیاں اور دل مرور ہو گیا ابھی بات ختم نہیں ہوئی بس یہ چار ہی مصرے پڑھوں گا کہ آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں سوچتے ہی سوچتے مسرور سر چکرا گیا آپ کے ابا ہمیں لگتا ہے جادوگر بھی ہیں سوچتے ہی سوچتے مسرور سر چکرا گیا اور ہاتھ مارا تھا انہوں نے کان کے اوپر مگر آنکھ کے نیچے نہ جانے کیوں اندھیرا چھا گیا